नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके लिए हम आए हैं। आज खासतौर से किस बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, ये इस पर नजर डाल लेते हैं। आज पहले हम बात करेंगे देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन की, और साथ ही बात होगी पहाड़ी क्षेत्रों में याक पालन की। जी हाँ, इसके जरिए भी हमारे जो पशुपालक हैं उनकी आमदनी बेहतर हो सकती है। इस बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-1130-60, साथ ही 1800-1130-61, इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, इसके जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, इस पर भी आप अपने सवाल हमें भेजेंगे, उनको लगातार हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी जी, आप संयुक्त आयुक्त हैं पशुपालन विभाग में, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर भूषण। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनीत कौर जी, आप वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग अरुणाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर अनीत। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे देसी नस्लों के बारे में, उनके संरक्षण या संवर्धन की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं उसके लिए बाकायदा राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और आज के समय में हम कह सकते हैं उसके परिणाम जो हैं वो काफ़ी सकारात्मक भी हैं। हमारे जो पशुपालक हैं डॉक्टर भूषण, अगर उनकी बात की जाए, काफ़ी लाभ उनको देसी नस्लों से मिला है। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हम कह सकते हैं जो ये योजना शुरू की गई थी, एक मिशन मोड शुरू किया गया था, काफ़ी सफल इसको हम मान सकते हैं आज के समय में? जी हाँ, इस योजना को काफ़ी हम सफल मान सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो शुरुआत हमने 2014 में की, ये ध्यान रखा गया कि इसमें देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन हो। संवर्धन इसलिए कि हमें जरूरत है इनके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की, क्योंकि देश में जो दूध की डिमांड है उसकी भी पूर्ति होती रहे, साथ ही साथ हमारी जो नस्लें हैं, जैसा आप जानते होंगे कि हमारे देश में 53 नस्लें गायों की हैं और करीब 20 नस्लें भैंसों की हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देशी नस्लें में ऊष्मा की क्षमता सहने की काफी क्षमता होती है इनमें, साथ ही साथ ये हमारी जो नस्लें हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी धनी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण जिस जो इनमें क्वालिटी है उसके कारण से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी और तापमान बढ़ेगा तो देशी नस्लें बहुत उपयोगी होंगी हमारे किसानों के लिए, क्योंकि इनमें बहुत कम बीमारियां आती हैं, साथ ही साथ इनका उत्पादन भी काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। फैट परसेंटेज जो है हमारी देशी नस्लों में विदेशी नस्लों के मुकाबले काफी अधिक होता है, तो इनकी दूध अगर उत्पादकता बढ़ जाती है तो हमारे किसानों को काफी फायदा होता है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो हमने शुरुआत की उसमें करीब करीब 2400 करोड़ की राशि राज्यों को जारी की गई है अब तक, और पिछले 5 सालों में, साथ ही साथ हमने बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी को इसमें लाए हैं, जैसे IVF टेक्नोलॉजी इसके अंदर में शुरुआत की गई है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन की इसमें शुरुआत की गई है, साथ ही साथ हमने बहुत सारे मैत्रीज को स्थापना की है जिससे कि किसानों के घर द्वार पर जो कृत्रिम गर्भाधान है उसकी सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमने नेशन वाइड AI प्रोग्राम इसके अंतर्गत में शुरू किया है जिसमें करीब करीब 3.5 करोड़ किसानों को अब तक फायदा हो चुका है, और करीब हमने 5.7 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान इसके अंतर्गत किए हैं, और साथ ही साथ करीब 4 करोड़ पशुओं को इसमें कवर भी किया गया है। तो किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो उसके लिए इस मिशन ने काफी कार्य किए हैं। IVF तकनीक, आप जान रहे होंगे कि IVF तकनीक है किसी ऐसी तकनीक है जिस जो हम कार्य 7 पुश्तों में करते थे, यानी 7 जनरेशन में जो कार्य करते थे देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन का, वो केवल 1 जनरेशन में, यानी 1 पुश्त में किया जा सकता है IVF तकनीक के द्वारा। यानी अलग अलग जो अभियान हम देखते थे मिशन मोड में देखते थे, अब उनके जो परिणाम है वो काफी सकारात्मक है हमारे सामने, और जो पशुपालक हैं इनको अपना भी रहे हैं। इस बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर भूषण, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय नस्ल के पशु हमारी संपदा हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका संरक्षण भी करें और संवर्धन भी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। करीब 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी है, जिसका एक और ध्येय ये है कि इस योजना का लाभ पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश भी लगाया जा सके। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है, और इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम किया गया,
जिसके तहत नस्ल सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में उच्च कोटि की भारतीय नस्लों के पशुओं का उपयोग करके नॉन डिस्क्रिप्ट या गैर विवरणात्मक गो पशुओं का उन्नयन करना है और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना। पशुपालक किसानों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर पशु केंद्र खोले गए हैं, जिनमें पशुओं के पोषण संबंधी जानकारी भी मुहैया कराई जा रही है। इन तमाम प्रयासों की मदद से देसी नस्लों का संरक्षण और विकास संभव हो सका है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, जो हमारी देसी नस्लें हैं ना सिर्फ संरक्षण उनका हो बल्कि संवर्धन भी हो सके, जिसके जरिए पशुपालक जो हैं उनको काफ़ी फायदा मिले और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अब पशुपालन क्षेत्र की यहाँ नजर आती है। फिर चाहे दूध उत्पादन क्षेत्र की हम बात करते हैं या इसके जरिए प्रसंस्करण क्षेत्र की भी अगर बात की जाए, अलग अलग तरह के उत्पाद लगातार इसके जरिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण होता है उत्पादकता और उसी पर लगातार काम भी किया जा रहा है। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर अनीत का। डॉक्टर अनीत, जानना चाहेंगे आपसे जब हम याक पालन की बात करते हैं, किस तरह की भूमिका याक की हम मान सकते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो पशुपालक रहते हैं उनकी आजीविका को लेकर, उनकी आमदनी को लेकर? जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि याक जो है एक गौ जाति का एक बहुत ही खास जीव है जो हमारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश में के पहाड़ों में ये पाया जाता है। और याक जो है कद में गाय से छोटा होता है तथा इसकी शरीर पर बहुत सारे लंबे लंबे बाल होते हैं, और यही जो उसका गुण है उसकी वजह से वो -40 डिग्री तक का तापमान में आराम से सर्वाइव कर सकता है। इवन पहाड़ों में जहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है तथा भारी बर्फबारी में भी याक आराम से वहां रह सकता है। और जब जहां तक याक पालन की बात है तो हमारे देश में अभी तक जो याक पालन है वो पैस्टोरल पैटर्न में होता है, यानी कि उसकी खानाबदोश प्रणाली से पाला जाता है, जिसमें जो ट्राइबल संप्रदाय है वो गर्मियों में अपने याक लेके पहाड़ों के ऊपर जो चारागाह होते हैं जहाँ पे बहुत ही पौष्टिक घास मिलती है तो वहाँ अपने जानवर लेके जाते हैं, तथा सर्दियां जैसे ही शुरू होने वाली होती हैं वो दोबारा पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं अपने गांव के पास। तो अगर संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो हमारे देश में याक पालन जो है वो अभी भी एक लो जीरो इनपुट और लो आउटपुट प्रोडक्शन सिस्टम है, यानी कि शून्य निवेश और कम उत्पादन प्रोडक्शन सिस्टम है जी। और ये जो सिस्टम है इस प्रणाली की वजह से इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि ये जो खानाबदोश सिस्टम की वजह से जो याक पालक हैं वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं और उनको बहुत ही दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जी। तथा इसके अलावा जो सर्दियों में चारे की कमी जो है वो बहुत ही एक बहुत बड़ी संकट है, एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सर्दियों के मौसम में एक उचित प्रबंधन हमको अपनाना चाहिए जिससे ना सिर्फ याक पालन को बढ़ावा मिले बल्कि जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो हम बात कर रहे हैं वहां पर एक आमदनी का जो जरिया है हमारे पशुपालकों का वो और भी उनके लिए बेहतर सार्थक हो सके। इस बारे में और जानकारी आपसे मिलेंगे डॉक्टर अनीत कौर, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गाय जैसा दिखने वाला पशु याक कहलाता है। ये खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ के स्थानीय याक को पालने के पीछे कई वजह बताते हैं। उनका मानना है कि याक ऐसा पशु है जो उन्हें कई तरह से मुनाफा देता है। इससे दूध, बाल, चमड़ा तो मिलता ही है, साथ ही ये माल ढोने व सवारी करने के काम भी आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में याक की संख्या में कमी आई है, जिसका एक कारण युवा पीढ़ी का पारंपरिक व्यवसायों से दूर होना है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि इनकी घटती संख्या में ध्यान दें, क्योंकि ये पशु पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। ये -40 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकते हैं। हालांकि सरकार के दखल के बाद से सुधार हो रहे हैं। नाबार्ड की क्रेडिट योजना याक आबादी की घटती प्रवृत्ति को रोकने में मदद कर रही है। ये क्रेडिट योजना उद्यमिता को बढ़ावा देकर लाभदायक खेती को भी सुगम बना रही है, साथ ही इसकी उन्नत नस्लें भी तैयार की जा रही हैं, जिससे अच्छा उत्पादन लिया जा सके।
वैसे तो ये शाकाहार पशु अपना भोजन खोजने में खुद ही सक्षम होते हैं। सर्दियों में अपने सींगों से बर्फ को हटाकर झाड़ियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन आहार पर ध्यान देकर उत्पादन में इजाफा किया जा सकता है। याक का जीवन काल 15 से 20 साल होता है, ऐसे में खास देखभाल कर इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से याक पालन के जरिए हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। आवश्यकता है तो एक सुदृढ़ तरीके से इसका प्रबंधन करने की, और ना सिर्फ घरेलू तरीके से जो किया जाता है बल्कि व्यावसायिक रूप में भी अगर हम उसको परिवर्तित कर सकें, किस तरीके से कर सकते हैं, एकजुट होकर किया जा सकता है, ये तमाम जो बातें हैं इनको समझना बेहद ज़रूरी है। और राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान जो है लगातार इस पर काम भी कर रहा है। फिर चाहे अलग अलग नस्लों की हम बात करें या किस तरीके का फ़ायदा जो है इसके ज़रिए एक पशुपालक को हो सकता है, किसान को हो सकता है, ये सारी जानकारी इस संस्थान द्वारा दी जा रही है। हम भी डॉक्टर अनीत से आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। ईमेल पे हमें सवाल आया है, ये सवाल है दिनेश नरवाल जी का भी, और ये डॉक्टर भूषण जानना चाह रहे हैं कि इनकी जो एक जो पशु है इनका वो लगभग 8 से 9 महीने का गाभिन है, वो गर्भ से है लेकिन फूल दिखाती है, इसके लिए क्या करें। इन्होंने 50 ग्राम कुछ दवाई जो है वो बता रहे हैं कि क्या हम कुछ दे सकते हैं। HB 50 ग्राम कुछ इन्होंने इसका जिक्र किया है, तो क्या ऐसे में करना सही रहेगा? नहीं, इनको सबसे पहले तो अपने निकटतम पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए अगर फूल दिखा रही है इनकी गाय या भैंस। तो दिनेश जी, आप सबसे पहले तो निकटतम पशु चिकित्सक से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए कि किस तरह का इलाज इनकी भैंस के लिए संभव है जी, या गाय के लिए संभव है। साथ ही साथ आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि 8 से 9 महीने के बीच की गाभिन है पशु आपका, तो पूरा ध्यान रखना होगा कि आपके पशु को कोई दिक्कत ना हो जाए। पुराने ज़माने में जो पशुपालक होते थे वो बच्चेदानी के ऊपर में छींकी बांध दिया करते थे, उससे उनको कहते हैं काफ़ी फ़ायदा मिला करता था। पर अब काफ़ी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं आपके लिए, इन दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं अपने पशु चिकित्सक से पूछकर कि किस तरह की दवाइयाँ देनी चाहिए आप पशु को। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे कि इसका एबॉर्शन हो जाए तो आपको बहुत नुकसान होने की संभावना भी है। तो एबॉर्शन से आपको पूरी तरह से अपने पशु को बचाना है, और जैसे ही फूल दिखाए आप अपने पशु को थोड़ा सा खड़ा कर दीजिए, क्योंकि खड़े में पशु का जो फूल दिखाना है वो थोड़ा उसका साइज कम हो जाता है जी। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पशु को थोड़ी थोड़ी देर में खड़ा करते रहें, बैठना भी पशु के लिए बहुत जरूरी है, उसको खड़ा करते रहें। साथ ही साथ आसपास थोड़ी सफाई रखें, क्योंकि पशु का जो फूल है अगर जमीन पर टिक जाता है तो उसमें गंदगी लग जाएगी काफी ज्यादा, तो उसके आसपास पूरी तरह से साफ रखें आप, यानी उस जगह को साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखें जी। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बारा भाई। मैं जानना चाहता हूँ जो याक है इसको जो पहाड़ी के अलावा जो हमारे तराई इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, क्या इसमें पालन में हम लोग सफल रहेंगे कि असफल रहेंगे? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर अनीत हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं जो याक पालन है क्या वो मैदानी क्षेत्र जो हैं या तराई क्षेत्र जो हैं वहाँ कुछ सफल रह सकता है या नहीं, या सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही इसको माना जाए? जी, मैं इनको हमारे दर्शक को बताना चाहती हूँ कि याक जो होता है वो 15 डिग्री टेम्परेचर अगर 15 से बढ़ जाए तो याक का सरवाइव करना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो याक पहाड़ी क्षेत्रों का ही जानवर है, लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप याक के व्यवसाय से जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि याक का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे इसके याक का कहा जाता है कि याक का हर एक शरीर का जो अंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। जैसे इससे दूध मिलता है, इसका बाल जो है, इसके बालों की बहुत ज्यादा आर्थिक वैल्यू है जी। तो याक के बालों को, बालों की बात की जाए तो याक के जो बाल हैं उसका एक जो एक आउटर कोट होता है, लंबे बाल होते हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि डोरमैट और टोपी, जैकेट, और जो उसका अंदर का सॉफ्ट कोट है वो पश्मीना के जितना सॉफ्ट माना जाता है। तो उसको भी बहुत ही इकोनॉमिकली, आर्थिक सेंस में उसका बहुत वैल्यू है। तो याक पालन तो मुश्किल है मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी याक के व्यवसाय के साथ वैल्यू एडिशन अगर आप करना चाहें तो उसके साथ जुड़ के आप भी काफी इससे मुनाफा कमा सकते हैं।
चलिए बिल्कुल, देखिए कैसे मुनाफा आपको मिल सकता है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि कुदरती तौर पे अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये इसको बनाया गया है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? मेरी गाय का दूध घट गया सर। जी राजेश जी। हाँ राजेश जी बता रहे हैं। जी क्या जानना चाह रहे हैं? मेरी गाय का दूध घट गया, क्या खिलाएं उसको? दूध एकदम घट गया है। गाय का जो दूध उत्पादन है वो कम हो चुका है। हाँ जी, कब से आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं, कितना वक्त हुआ है? दूध उत्पादन क्षमता जो है पशु की वो कुछ कम हो गई है डॉक्टर भूषण, क्या इनको करना चाहिए? राजेश जी ये सभी लोग इस तरह की चीजों को फेस करते हैं कि उनकी उत्पादन कम हो रहा है, तो जब जब उत्पादन घटता है पशु का तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस्ड राशन दें, यानी हर चीज उस राशन में जुड़ी हो। जैसे कि राशन आप देखते हैं, हमने ई गोपाला ऐप शुरू किया है, अगर हम दिखा पाएंगे तो ई गोपाला ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सूचना मिलेगी कि किस तरह का बैलेंस राशन आप तैयार करें जो लोकली अवेलेबल आपके पास में इंग्रेडिएंट्स है। तो जब पशु दूध देता है तो 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना देना बहुत उसको जरूरी है, यानी 1 किलो कंसंट्रेट देना उस पशु को बहुत जरूरी है अगर वो भैंस है तो। अगर वो गाय है तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना इसको गांठ बांध के रखना चाहिए कि 1 किलो दाना आपको देना ही देना है अगर 2.5 किलो दूध आपकी गाय दे रही है तो। जी। अब दूसरी एक चीज है कि कैल्शियम की कमी पशुओं में बहुत हो जाती है जिसके कारण दूध की मात्रा में कमी आती है, तो कैल्शियम आपको समय समय पर देना है। कैल्शियम बहुत तरह से उपलब्ध है, पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है, जैसे कैल्फोस ED3 पाउडर मिलता है बाजार में, वो पाउडर आप लाकर 25 ग्राम सुबेरे 25 ग्राम शाम को अपने पशु को दे सकते हैं। मिनरल मिक्सर जिसको हम कहते हैं, साथ ही साथ मिनरल मिक्सर के साथ आजकल कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है बाजार में, लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध होगा, 50 ml सुबेरे 50 ml शाम को उसके चारे में आप मिला दे तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम से दूध में काफी बढ़ोतरी होती है। एक ग्रो मिल्क करके टैबलेट भी आती है बाजार में उपलब्ध है, ग्रो मिल्क 10-10 टैबलेट रोज अपने पशु को खिलाएंगे तो लैक्टेशन जो यील्ड है वो आपके पशु का बढ़ जाएगा। साथ ही साथ नस्ल के संरक्षण और संवर्धन से भी, यानी संवर्धन जब हम करते हैं तो लैक्टेशन जो पीरियड है और प्लस दूध का उत्पादन है वो भी बढ़ता है। तो इन्होंने यहां पर यह नहीं बताया है हमारे पशुपालक ने इनके पास में कौन सी नस्ल की गाय है, तो और भी ज्यादा इनको सूचना हम दे सकते थे। और यानी ये एक सीधा फायदा, देखिए जब हम देसी नस्लें रखते हैं तो उनके जरिए हमें जो दूध उत्पादन है वो अच्छा मिलता है, गुणवत्तायुक्त मिलता है, और उसके साथ साथ उनकी जो ब्यांत है वो आप ज्यादा ले सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे हमारे जो दोनों विषय इनके बारे में, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से देसी नस्लों का आप संरक्षण कर सकते हैं, संवर्धन उनका किया जा सकता है जिससे हमें फायदा मिल सके, और साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कैसे हमारे जो पशुपालक हैं वो याक पालन कर सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए और ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है अवनीश मौर्य जी का, इनका सवाल है, डॉक्टर भूषण नरेश जी हैं ये और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं, ये बता रहे हैं कि जो गाय का गर्भ है वो 50 दिन ही ठहर पाता, उसके बाद किस तरह की समस्या हो जाती है, वो गर्भधारण नहीं कर पाती, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए अगर गर्भधारण नहीं कर रही है इनकी गाय और 50 दिन के अंदर ही फिर से हीट पे आ जा रही है, गिर जा रहा है, तो उसकी सूचना ये अपने निकटतम पशु चिकित्सक को दें, उसकी सलाह लें कि क्या बीमारी हो सकती है, क्योंकि बच्चेदानी में बहुत सी बार क्या होता है मवाद पड़ जाती है या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण जो फुल टर्म तक
वो गर्भधारण नहीं कर पाती है गाय हमारी। नरेश जी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो पशु है उसको आप बैलेंस राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर राशन में कुछ कमियां रह जा रही हैं, प्रोटीन की कमी हो गई है या किसी मिनरल की कमी हो गई है, उसके कारण भी पशु गर्भधारण पूरी तरह से नहीं कर पाता है। साथ ही साथ आप अपने पशु की जांच भी करा लें, क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके कारण पशु गर्भधारण नहीं कर पाता है, जैसे ब्रुसेलोसिस नाम की एक बीमारी है। तो ब्रुसेलोसिस में पशु गर्भ गिरा देता है, वैसे गर्भ जो गिराता है वो 7-8 महीने में गिराता है इस तरह का पशु, अगर ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी हो गई हो उसे, तो इसकी भी जांच आप करा सकते हैं, आपके निकटतम पशु चिकित्सक इसकी जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पशु का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि हीट में वो कब आता है, और ठीक हीट पर, यानी आप जब मिड हीट में आ जाए पशु आपका, ठीक से हीट में हो, तब उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं, कृत्रिम गर्भाधान कराएं, तो उससे शायद आपका पशु का गर्भ पूरी तरह से ठहर सकता है, पूरे टर्म तक ठहर सकता है, यानी 280 दिन का जो गर्भ का पीरियड होता है, गर्भकाल होता है हमारे गायों का, तो उस गर्भकाल तक उसका गर्भ ठहर सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए आपको ये जानकारी जानना बेहद ज़रूरी है, किस तरीके से अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको लग रही है तो आप इस बात पे गौर ज़रूर करें, और अगर कुछ भी असामान्य लक्षण दिखाई देता है तो जो आपके निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही एक और सवाल हमारे पास आया है, डॉक्टर नीत साहिल जी का सवाल हमारे पास आया है अनंतनाग से, और ये जानना चाह रहे हैं कि याक पालन अगर करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए किसी तरह के प्रशिक्षण की इन्हें ज़रूरत है, या सामान्य तौर पर इसको ये रख सकते हैं? प्लीज आप अपना प्रश्न रिपीट कीजिए। जी, साहिल जी जानना चाह रहे हैं कि जो याक पालन के लिए किसी तरह का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी या नहीं? जी देखिए, हमारा जो सरकार है और साथ में ही हमारा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र जो याक फार्मिंग में आधुनिकता लाने के लिए एडवोकेट कर रहा है, और ताकि ये जो खाना पदोश प्रणाली है इसमें जिसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं और मुनाफा जो है वो आर्थिक जो लाभ है वो कम है, तो इससे हम आगे बढ़कर उसमें आधुनिकता ला पाएं, और उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो इसमें मैं 2-3 अहम जो जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले कि हमारे जो नाबार्ड है बैंक, उनके साथ मिलके हमारे संस्थान ने एक बैंकेबल स्कीम बनाई है याक फार्मिंग के लिए, उसमें आपको लोन दिया जाएगा याक का फार्म बनाने के लिए, उसमें आपका याक का खरीदने का खर्च, उसका शेड का खर्चा और खाना का एक साल के लिए और जो अन्य बीमा का खर्चा वो सब उसमें इंक्लूडेड होगा, और उसमें हमने पाया गया है कि वो जो मॉडल है वो उससे आप काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जो स्कीम है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी तकनीकी यानी कि जानकारी चाहिए तो हमारा जो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र है अरुणाचल प्रदेश में, तो हम उसके रिगार्डिंग आपकी पूरी सहायता करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देने में। दूसरी बात है एक याक बीमा पॉलिसी जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रिसेंटली एक याक की इंश्योरेंस पॉलिसी भी अप्रूव हुई है, तो उसमें क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण देना चाहती हूँ, 2019 में सिक्किम में 500 से ज्यादा याक की मौत हो गई, भारी बर्फबारी हुई, पर मौत जो थी वो याक की स्टार्वेशन से हो गई, मतलब भूखे रह गए याक बर्फबारी के कारण, खाना नहीं मिल पाया। तो इस ऐसी जो सिचुएशंस हो जाती है वहां पे बीमा जो है याक का बीमा उसका होना बहुत जरूरी है, यानी किसी भी तरह की आपदा अगर होती है तो ऐसी स्थिति में भी, जैसा कि जब हम फसल के बीमे की बात करते हैं तो ऐसे पशु का बीमा भी किया जाता है, और इससे एक पशुपालक को राहत मिल जाती है अगर इस तरह का नुकसान हो जाए, दुर्घटनावश अगर किस तरह की हानि पशु की हो जाती है, तो यहाँ एक पशुपालक के लिए देखिए किस तरीके की जो राहत है वो भी मिल सकती है। अलग अलग योजनाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। फिलहाल हमारे साथ हरी सिंह जी जुड़े हैं कपूरथला पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका हरी सिंह जी, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, देसी गायें 8 और 9 किलो दूध जो देती है उसको भी जैसे ये दाना वगैरह है और खल है ये देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए? और दूसरा सवाल है कि जो ये जाक के बारे में बता रहे हैं ये कौन सी प्रजाति में आता है, गायें की प्रजाति में आता है या कोई और है जी, इसके बारे में बताया जाए? जी चलिए, पहले जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं डॉक्टर भूषण से यहाँ ले लेता हूँ। डॉक्टर भूषण क्या जानकारी देना चाहेंगे?
देखिए हरी सिंह जी, सभी के लिए दाने की जरूरत है, चाहे वो देसी गाय है चाहे विदेशी गाय है। अगर वो दूध दे रही है तो दाने की जरूरत बहुत जरूरी है जी, क्योंकि जब भी आप देखते हैं आपके पशु को मेंटेन करना है, मेंटेनेंस राशन के लिए उसको एक किलो दाना तो आपको देना ही होगा किसी भी समय पर, चाहे पशु दूध दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो। साथ ही साथ आपको देखना है कि पशु जिस हिसाब से दूध दे रहा है उसको दाने की मात्रा बढ़ानी होती है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था इस कार्यक्रम में कि 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना गायों के लिए देना होता है, 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना आपको जरूर देना है भैंसों के लिए। तो उस हिसाब से आप दाने की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दाना किस तरह का होना चाहिए, तो इसमें खल की मात्रा भी होनी चाहिए, इसके अंदर में थोड़ा सा मक्का हो बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ एनर्जी और प्रोटीन क्योंकि काफी जरूरी होते हैं पशु की उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन को मेंटेन करने के लिए। और 8 और 9 किलो की जो देशी गाय है वो तो बहुत जरूरी है, उसको आप दाना जरूर जरूर दें। और दाने की मात्रा इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थंब रूल है हमारा। साथ ही साथ आप ई गोपाला ऐप, अगर हम दिखा पाएंगे इस कार्यक्रम में ई गोपाला ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो ई गोपाला ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी सूचना है कि कैसे आप अपने लोकल इंग्रेडिएंट से किस तरह का राशन बना सकते हैं। कभी कभी पशुपालक क्या होते हैं, एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा दे देते हैं अपने पशु को या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा देते हैं, तो खर्चा तो बहुत ज्यादा हो रहा है उनका, पर लेकिन दूध की मात्रा कम होती जा रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस्ड राशन ही खिलाएं अपने पशु को, और बैलेंस्ड राशन बनाने की सारी विधि हमारे ई गोपाला ऐप पर उपलब्ध है। आपने पूछा कि ये कौन सी नस्ल है हमारी, जो याक की प्रजाति है, याक गायों की श्रेणी में आते हैं, यानी बोवाइन में कवर किया जाता है। याक और मिथुन दोनों को हम बोवाइन कहते हैं, ये बोवाइन की फैमिली में गो जाती है पशु है ये जी। और इसके साथ ही एक और सवाल ईमेल के जरिए हमारे पास आया है अजय कुमार जी का, मुजफ्फरपुर बिहार से। ये बता रहे हैं कि इनके पास 5 भैंस हैं और ये चाहते हैं कि जो ऋण है लोन ये लेना चाहते हैं, जिससे डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय और बेहतर तरीके से कर सके। क्या मुद्रा लोन के जरिए या कोई और किसी तरीके से आर्थिक मदद इनको मिल सकती है? देखिए भारत सरकार की जो अभी योजना चल रही है उसमें हम 200 पशुओं के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं हमारे पशुओं के लिए। 200 पशुओं का उनको फार्म, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की हमारी योजना चलाई जा रही है। तो इसमें 2 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं, 2 करोड़ रुपए का लोन उसको बैंक से लेना होता है हमारे किसान को। इसका एक फार्म स्थापित करने के लिए हमारी सारी गाइडलाइन ऑनलाइन उपलब्ध है, eoi.nddb.coop। अगर हम दिखा पाएंगे तो आपको इस पर दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो इस तरह की ये गाइडलाइन आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव इसमें स्वीकृत हो जाएगा। स्वीकृत होने के बाद में आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी 4 भागों में उपलब्ध होती है, 50-50 लाख की सब्सिडी समय समय पर आपको उपलब्ध होगी। साथ ही साथ आप अपने प्रदेश की कुछ योजनाओं को देख सकते हैं जिसमें आपको पशुओं को रखने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है। साथ ही साथ हमारी जो नाबार्ड की कुछ योजनाएं हैं उनकी भी आप जानकारी नाबार्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे विभाग की वेबसाइट से भी आप सारी हमारी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, www.dhd.nic.in ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन की गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात आपको बताना भूल गया, हमारी राष्ट्रीय पशुधन योजना NLM जो स्कीम है जी, उसके अंतर्गत भी आप लोन ले सकते हैं। हमारी डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम है, उसके अंदर में बकरी के लिए लोन है, उसके अंदर में भेड़ों के लिए लोन है, उसके अंतर्गत पोल्ट्री के लिए भी लोन है। साथ ही साथ हम लोन की सुविधा फार्मर्स को उपलब्ध करा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को उपलब्ध करा रहे हैं चारे के लिए, यानी चारे की हमारे पशुओं को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हरा चारा जितनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा हमारे पशुओं को, उतना ही ज्यादा हम दूध का उत्पादन भी कर पाएंगे। इस बार के बजट में भी हमने देखा है ऋण की जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है, जिससे और ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है हमारे पशुपालकों को यहाँ मिल सके। फिलहाल अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर अनीत का। डॉक्टर अनीत, जिस तरीके से आपने बताया कि काफी महत्वपूर्ण है जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, और एक और सवाल हमारे पास आया है यूसुफ जी का, ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी अच्छी जो नस्ल है उसको माना जा सकता है अगर हम प्रसंस्करण के तौर पर, यानी उसके जरिए जो उत्पाद हमें मिलने हैं उसकी लागत के आधार पर अगर देखें तो। जी देखिए, अभी तक फिलहाल मैं बताना चाहती हूँ कि याक की अभी तक एक ही नस्ल रजिस्टर हुई है, अरुणाचली याक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ के जिला तवांग और वेस्ट कामेंग में डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा याक जो है लद्दाख में भी याक पाया जाता है और सिक्किम में भी याक पाया जाता है, और ये जो है ये हमारे अरुणाचली याक, ये तीनों जो है नस्लें ये एकदम अलग अलग हैं, और इनका जो वातावरण है कहने को पहाड़ी है सब, बट फिर भी आप जैसे देखेंगे लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है,
तो वहाँ का वातावरण अलग है और वो जो याक है लद्दाख का याक वो वहाँ के लिए अडेप्टेड है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का वातावरण जो है वो अलग है और जो यहाँ का याक है वो यहाँ के जो वातावरण में अडेप्ट कर चुका है। तो इसमें जहां तक अरुणाचली अभी क्योंकि बाकी जो याक की नस्लें हैं वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है तो अरुणाचली याक के बारे में बताना चाहती हूँ कि अरुणाचली याक का वीर्य अवेलेबल है जो सीमन अवेलेबल है और हम कृत्रिम गर्भाधान की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास अच्छे अरुणाचली याक के सांडों का सीमन जो है जो कि दूध उत्पादक क्षमता जिससे बढ़ेगी और जिससे बॉडी वेट में यानी वजन में बढ़ोतरी होगी वो सीमन हमारे पास अवेलेबल है और हम जो इंटरेस्टेड याक पालक हैं उनका जाके उनके याक में एआई यानी कि टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान भी करते हैं। चलिए यानी देखिए किस तरीके से जो कृत्रिम गर्भाधान है वो भी लगातार किया जा रहा है और उद्देश्य यही है कि बेहतर नस्ल जो है वो हमारे पशुपालकों के पास हो जिसके जरिए उन्हें अच्छा लाभ आने वाले समय में मिल सके। फिर चाहे बात याक की जाए या जो हम आज बात कर रहे हैं हमारी देसी नस्लों की जिसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, इन दोनों विषयों पर आगे भी हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों से। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे आप याक पालन कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, भोपाल मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था, एक गाय है हमारे पास देसी नस्ल की साहीवाल जी, दूध कम देती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे पास एक HF बछड़ी थी पहला व्यात में, उसने 6 महीने गर्भपात हो गया उसका जी, तो वो दूध पे किस प्रकार से आ गई, एक एक लीटर दूध दे रही है वो, उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? चलिए यानी दूध उत्पादन वहाँ भी आपको कम लग रहा है जी, दोनों ही स्थिति में गर्भपात हो गया उसका जी जी जी, 6 महीने का गर्भपात हो गया है तो एक एक लीटर दूध दे रही है जी। डॉक्टर भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे? पहला व्यात की बछड़ी है जी। जी हिंदू सिंह जी, देखिए आपकी जो देशी गाय है दूध कम दे रही है तो उसके लिए तो जरूरी है कि बैलेंस राशन आप उसको खिलाएं
जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, बैलेंस राशन पशु के लिए बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन हो, उसमें एनर्जी भी हो, पूरी तरह की बराबर की एनर्जी हो, प्रोटीन भी हो, तो उस तरह का आप राशन जरूर खिलाएंगे तो आपके पशु का उत्पादन जरूर बढ़ेगा। इसके पहले भी हमने बताया था कि कैल्शियम की भी जरूरत होती है दूध उत्पादन के लिए, तो कैल्शियम की मात्रा उसकी डाइट में इस समय आप बढ़ा सकते हैं। तो कैल्शियम आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा या मिनरल मिक्सर में भी मिलेगा, कैल्फॉस AD3 करके हमारा एक मिनरल मिक्सर है, या कैल्शियम का कोई भी मिनरल मिक्सर आप खरीद सकते हैं बाजार से, 25 ग्राम सुबह 25 ग्राम शाम को इस मिनरल मिक्सर को आप दीजिएगा। साथ ही साथ आप जो लिक्विड फॉर्म में अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो 50 ml सुबेरे 50 ml शाम को आप लिक्विड फॉर्म वाला कैल्शियम, अच्छी 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 कंपनी का कैल्शियम आप दीजिएगा अपने पशु को, तो दूध उत्पादन में जरूर वृद्धि होगी। साथ ही साथ आयुर्वेदिक कुछ दवाइयां भी मिलती हैं बाजार में, तो उन आयुर्वेदिक दवाइयों का भी आप उपयोग कर सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए अपने पशु का, जैसे ग्रो मिल्क टैबलेट होती है या लैक्टोडेंट टैबलेट होती है, तो उन टैबलेट्स को भी खिलाकर आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। आपने बताया कि आपकी होल्स्टीन फ्रीजन एक छोटी बछड़ी है जिसका पहला ब्यांत में ही गर्भपात हो गया, 6 महीने की उसने गर्भ डाल दिया है जी, तो उस पशु में भी दूध अभी बढ़ाया जा सकता है, उसमें थोड़ी सी कैल्शियम आप दीजिए, थोड़ा सा दाने की मात्रा को बढ़ाइए जिसको हम कहते हैं चैलेंज फीड, तो इस तरह की दाने की मात्रा को आप थोड़ा बढ़ाएंगे और उस तरह का आप उसकी कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएंगे उसकी डाइट में, तो दूध में वो आ सकती है। साथ ही साथ मैं तो यहाँ ये भी कहूंगा कि आप इस पशु की थोड़ी एक बार जांच भी करा लें, कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ब्रुसेलोसिस हमने पहले भी बताया था इस कार्यक्रम में कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी से गर्भपात पशु में हो जाता है जो 6 से 7 महीने में होता है नॉर्मल तरीके से। अगर इसकी प्लेजेंटा या जेर रुक गई थी इस पशु की तो आप समझिए कि इसको हो सकता है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी हो, जिसकी जांच आप निकटतम पशु चिकित्सक से जरूर एक बार करवा लें। साथ ही साथ इस पशु का आप बेहतर से अगर ध्यान रखेंगे तो ये होल्स्टीन फ्रीजन जो आपकी क्रॉसब्रेड गाय है ये अधिक से अधिक दूध देने की क्षमता जरूर रखती है, और आपकी देशी नस्ल जो साहिवाल है ये सबसे अच्छी नस्ल है हमारे देश की, इसका आप जरूर ध्यान रखें और ये अच्छा दूध देने की क्षमता रखती है। बिल्कुल अच्छा लाभ देखिए इनके जरिए आपको मिल भी सकता है। और साथ ही एक और सवाल है अंकुर सहाय जी का आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी अच्छी नस्ल रहेगी भैंस की अगर हम गांव में अपना भैंस पालन अगर शुरू करते हैं, और चारे में उसको क्या हम खिला सकते हैं जिससे अच्छा दूध उत्पादन मिले। देखिए भैंस की जो सबसे अच्छी नस्ल है हमारे देश में वो मुर्रा नस्ल है, और उत्तर प्रदेश के लिए तो मुर्रा नस्ल बहुत अच्छी है, तो आप मुर्रा नस्ल की भैंस रख सकते हैं। साथ ही साथ आपके प्रदेश में भदावरी नस्ल है, पर भदावरी नस्ल जो है आगरा के आसपास में पनपी और बढ़ी है, तो आप के लिए जो उपयुक्त नस्ल होगी मेरा सुझाव होगा कि आप मुर्रा भैंस को लें। मुर्रा भैंस अवेलेबल है आपके प्रदेश में, मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छी मुर्रा भैंस मिल जाती है, साथ ही साथ हमारे हरियाणा में भी मुर्रा नस्ल की भैंस काफी अच्छे मिल जाएंगी, तो आप मुर्रा नस्ल की भैंस, अच्छी नस्ल की भैंस ढूंढें, अच्छा दूध देने वाली भैंस ढूंढें। तो देखिए पशु को जब आप खरीदते हैं तो इस चीज का आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना होगा कि नस्ल आपकी प्योर हो, नस्ल आपकी अच्छी हो, तो नस्ल को पहले आप एक बार देख लें कि नस्ल आपकी प्योर है कि नहीं है। दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है कि दूध का उत्पादन जरूर देखें, जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं अपने पशु को तो 3 बार का दूध उत्पादन देखें, यानी आप जब जिस रोज गए तो सुबह के दूध उत्पादन को देखें, शाम के दूध उत्पादन को देखें और अगले दिन सुबह के दूध उत्पादन को देखें। ये नहीं कि एक बार में आपने दूध देख लिया पशु का और आपने पशु को खरीद लिया। साथ ही साथ जब भी आप पशु को खरीदते हैं तो उसकी बीमारी की जांच भी करा लें कि कहीं इसको किसी तरह की टीबी तो नहीं है, हमारे यहाँ पशुओं को जोन्स डिजीज हो जाती है तो उसकी भी जांच हो जाती है हमारे पशुओं में, तो किसी लैब में इनका सैंपल भेजकर जांच कराई जा सकती है। और पशु पालक से आप पूछ सकते हैं कि आपने कभी, जो बेच रहा है उससे पूछ सकते हैं कि आपने कभी पशु की जांच कराई है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। पशु को खरीदने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन जो स्कीम है, जो इनकी रिकॉर्डिंग करती है हमारे भैंसों की हरियाणा में, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनके द्वारा भी इस पशु को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ई गोपाला ऐप पर भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध है कि किस तरह का पशु किस किसान के पास में उपलब्ध है, कैसी उसकी नस्ल है, कितना दूध देने की क्षमता वो पशु रखता है, तो उस तरह से आप वहां से भी जानकारी आप ले सकते हैं। सारी जानकारी जो है अब आपको मिल सकती है, पूरी तरीके से पारदर्शिता जो है इस प्रणाली में नजर आती है, क्योंकि एक पशुपालक जो जानना चाहता है वो सारी जानकारी अब एक क्लिक पर वो देख सकता है। ई गोपाला की हम बात करें या ई पशु हाट की बात की जाए, तमाम एक तरह के विकल्प जो हैं अब हमारे किसानों के पास उपलब्ध हैं। साथ ही डॉक्टर अनीत आप यहाँ, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी फ़ायदा जो है वो याक के ज़रिए यहाँ पे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के पशुपालक हैं उनको मिलता है, लेकिन क्योंकि एक ये ऐसा जीव जो कि लगातार आपने बताया कि करीब -40 डिग्री तक भी अगर हमारा तापमान जाता है वहाँ भी उसको ये सह सकता है, क्या वहाँ भी किस तरह के रोग या दूसरी बीमारी की इसको संभावना बनी रहती है, उस लिहाज से भी जो प्रबंधन है वो जरूरी हो जाता है इसका? जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
जब ठंड के मौसम में याक के लिए जो ठंड का मौसम है वो फेवरेबल रहता है, उसमें मोस्टली याक जो है रोग फ्री रहता है, उसमें बीमारियां जो है कम अटैक करती हैं। बट जैसे ही बारिश का मौसम है और गर्मी का मौसम आता है तो याक में कुछ कुछ बीमारियां देखी जाती हैं। इसमें मेनली जो है मुखुर रोग जो है, तो खुरपका मुंहपका रोग FMD, फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं जिसको, वो देखा गया है याक में। इसके लिए उसमें वही तेज बुखार आता है, मुंह पे पैरों पे छाले दिखते हैं जी। और इसके प्रबंधन के लिए, इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है जो कि आजकल जो है ट्राइवेलेंट, गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर और FMD, तीनों का ट्राइवेलेंट वैक्सीन है, वो दिया जाता है बारिश के मौसम से शुरू होने के पहले और उसके बाद में। इसके अलावा क्योंकि याक जो है वो खुले चारागाहों में चरते हैं तो वहां पे कीड़े जैसे कि टिक्स होती हैं वो बहुत ज्यादा, टिक्स, लीच, ये सब बहुत ज्यादा रहती है। तो एक टिक्स जो, यही टिक होती है एक प्रकार की, उससे एक बीमारी होती है बबेशियोसिस, वो भी याक में देखी जाती है। उसमें अक्सर जो याक पालक होते हैं उनका ये चिंता रहती है कि जानवर जो है उसमें तेज बुखार आ रहा है, उसके पेशाब में खून आ रहा है, तो ये बबेशियोसिस के लक्षण हैं। और इसके लिए भी इसका इलाज संभव है, इसका इलाज किया जाता है। ये दो मेन है। इसके अलावा याक में ये जो, क्योंकि मैंने बताया कि याक चारागाहों में रहते हैं तो बहुत सारी पैरासाइट की बीमारियां उनके शरीर पे भी आती हैं, बाहरी पैरासाइट्स भी होते हैं और इंटरनल पैरासाइटिक प्रॉब्लम्स भी रहती है जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है और बॉडी वेट जो है, वजन गेन नहीं कर पाते हैं या फिर पेट खराब रहता है। तो ये सब जो है, ये उनका जो वातावरण के कारण जो है प्रॉब्लम्स देखी जाती है। यानी अलग 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 तरह के लक्षण जो है वो सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन समय से अगर आप देख लें तो उनका बचाव भी उससे हम कर सकते हैं, समाधान उसके लिए हमारे पास उपलब्ध है। आवश्यकता तो यही कि आप बेहतर ढंग से उनका प्रबंधन करें, लगातार निगरानी भी रखें। अगर किस तरह के असामान्य लक्षण आपको नजर आते हैं तो जो तुरंत हमारे पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क जरूर करें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। मनहरन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, मेरे पास एक गीला है जी, जो 2 महीने पहले बच्चा दिया था जी। जब शुरू में जब बच्चा दिया था तो 6 लीटर 7 लीटर अच्छा दूध दे रहा था, पर अभी 1 लीटर 2 लीटर हो गए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुरू में जैसा दूध फर्स्ट आ जाए। 2 महीने हो चुके हैं ब्यांत को? हाँ हाँ, 2 महीने हो गए जी। चलिए डॉक्टर भूषण, क्या जानकारी आप इनको देना चाहेंगे? देखिए, दूध बढ़ाने के लिए सभी किसानों की शिकायत रहती है कि दूध पशु बहुत कम दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। एक तो मौसम काफी ठंडा था, उसमें थोड़ा सा दूध में कमी आती है जरूर, पर आपको चारे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और काले भी करना होगा आपको कि बैलेंस राशन में खिलाऊं। हम बार बार कह रहे हैं कि बैलेंस राशन पशु के लिए बहुत जरूरी है, जैसे हम बैलेंस्ड खाना खाते हैं उसी तरह का हमारे पशु को भी बैलेंस्ड राशन देना बहुत जरूरी होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, थोड़ी खल हो, चूरी हो, चोकर हो, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं अपने जो कंसंट्रेट मिक्सर है उसको। साथ ही साथ हमारा जो ई गोपाला ऐप है उसको डाउनलोड करके आप देखें कि आप बैलेंस राशन कैसे बनाएंगे। आपके पास में जो इंग्रेडिएंट्स लोकली अवेलेबल है, खल अवेलेबल होगी, सरसों की खल छत्तीसगढ़ में अवेलेबल होती है या दूसरी खल, मूंगफली की खल अवेलेबल होगी, तो उन खलों को कैसे उपयोग करके कितनी खल मिलाएंगे, कितनी मक्का मिलाएंगे, कितना चोकर मिलाएंगे, कितनी चूरी मिलाएंगे उसके अंदर में, तो इस तरह के आप राशन दाने को तैयार कर ले। और दाना देना है जब पशु को तो बार बार हम बता रहे हैं कि आपको 2.5 किलो दूध पर, अगर गाय है आपके पास में, 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना ही होगा। साथ ही साथ उसके मेंटेनेंस के लिए 1 किलो दाना जरूर देना है। तो 1 किलो दाना तो वो हो गया, अगर आपकी गाय 5 किलो दूध दे रही है तो 2 किलो दाना तो आपको देना है, 1 किलो दाना उसकी मेंटेनेंस के लिए देना, यानी 3 किलो दाना आपको खिलाना होगा। साथ ही साथ अगर भैंस आपके पास में है तो 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना आपको देना होगा। और दाने की मात्रा आपको ठीक रखनी पड़ेगी, आपको ये नहीं कि कम दाना दे रहे हैं तो पशु दूध दे देगा, ऐसा नहीं होता है। दाना जरूर देना होगा, उसको समय समय पर पानी भी पिलाना होगा। ठंड के मौसम में क्या होता है, पशु को पानी पिलाना भूल जाते हैं कि पशु ठंड में है तो उसको प्यास कम लगती है, तो पर लेकिन आप पानी को गर्म करके उसके सामने रखें, थोड़ा सा गुनगुना हो पानी, जैसे आप गर्म पानी पीते हैं ठंड के दिनों में, इसी तरह का पशु भी पी लेता है, तो आप उसके सामने रखें, तो क्योंकि दूध भी पानी से ही बनता है, अगर पानी की मात्रा भी आप कम रखेंगे, यानी डिहाइड्रेशन आपके पशु को अगर हो गया तो दूध की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। साथ ही साथ
आप दूसरे तत्व भी दे सकते हैं, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि कैल्शियम की मात्रा इस समय पर आपको ज्यादा से ज्यादा देनी होगी। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर के फॉर्म में दे सकते हैं या लिक्विड के फॉर्म में दे सकते हैं। कैल्शियम के आजकल तो इंजेक्शन भी मिलते हैं, कैल्शियम के इंजेक्शन भी हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो लगाया करते हैं। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपके पशु ज्यादा से ज्यादा जरूर दूध देंगे जी। और साथ ही एक और सवाल है हमारे पास हरदेव सिंह जी का, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम एचएफ के मुकाबले देसी गाय की हम बात करते हैं तो किस तरीके से उनके जरिए जो उत्पाद हमें मिलते हैं, या अगर प्राकृतिक खेती की तरह नजरिए से हम देखते हैं तो जो उनका गोमूत्र है या जो गोबर है वो उसमें क्या जो पोषण हम जब हम कहते हैं तो वो हमें ज्यादा मिल सकता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो सकती है। देखिए देशी गाय हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और देशी गाय हमारे देश में बहुत अच्छी नस्ल की भी है। जैसे आपने देखा होगा साहिवाल नस्ल की गाय हमारे देश में बहुत अच्छी है, जो पंजाब और हरियाणा में काफी है, साथ ही साथ राजस्थान में भी काफी है हमारे पास में साहिवाल की गाय। गिर नस्ल की गाय जो गुजरात की है वो भी हमारे देश में दूध उत्पादन करने के लिए जानी और मानी जाती है। साथ ही साथ रेड सिंधी गाय है जो उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्र में है, इनका फार्म भी है हमारा उत्तराखंड में, वहां पर भी ये दूध उत्पादन में के लिए काफी जानी जाती है। राठी नस्ल की गाय जो राजस्थान की है वो भी काफी अच्छी नस्ल है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि थारपारकर नस्ल भी काफी अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है। कांकरेज नस्ल होती है जो गुजरात में पाई जाती है, वो भी काफी अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है। तो आप देशी नस्लों का अगर रखते हैं तो उनके जो दूध की मात्रा है वो भले ही कम है पर उसमें फैट जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, यानी 4-4.5% का फैट परसेंटेज मिलेगा। प्रोटीन की मात्रा भी उनके दूध में ज्यादा होती है, 4-5% गुणवत्ता बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और दूसरी चीजें भी आपको पशु के साथ में मिल रही है, गोबर भी मिल रहा है और साथ ही साथ गोमूत्र भी मिल रहा है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसी के जरिए आपकी जो लागत है वो देखिए काफी हद तक बच जाती है, आपका खर्च जो है वो कम हो जाता है। आवश्यकता तो यही कि आप जो उनके लिए बेहतर आवास और जो आहार है उसकी व्यवस्था करें, और उसके जरिए आपको और अच्छा लाभ देसी गाय पालन के जरिए आने वाले समय में मिल सकता है। फिलहाल आगे भी हमारे जो दोनों विषय इस पर आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारी देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में, और साथ ही पहाड़ी राज्यों में कैसे आप याक पालन करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। ईमेल के जरिए हमारे जो दर्शक हैं वो अपने सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर पर भी आप भी पूछ सकते हैं। और यहाँ डॉक्टर नीत एक सवाल हमारे पास आया है सुकेश जी का उत्तराखंड से, ये जानना चाह रहे हैं क्या उत्तराखंड में याक पालन किया जा सकता है?
जी ये मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में भी हमारे देश की कुछ या की कुछ बहुत कम नंबर हमारे पास एग्जैक्ट उसका काउंट नहीं है कि कितने हैं, बट हाँ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी याक पालन संभव है और बहुत अच्छे से वहाँ पे इसको डेवलप किया जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट स्टेट है और अगर याक का अच्छा सा फार्म लगा के उसका प्रोडक्ट्स को जो दूध है या उसका जो बाल है उनको वैल्यू एडिशन करके उसका जो है याक फार्मिंग से बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे संस्थान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी जो रीजन है वहाँ पे डेफिनेटली याक पालन जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है, बहुत सफलतापूर्वक इसको किया जा सकता है। जी तो देखिए सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं, साथ ही जो दूसरे किसान हैं पशुपालक हैं उनको भी उनके साथ भी आप जानकारी साझा कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ आनंद प्रताप जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आनंद जी क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस नस्ल की गाय पाले कि अच्छा दूध का उत्पादन मिल सके, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। कौन सी गाय की नस्ल आप पाले आप जानना चाह रहे हैं? गोंडा उत्तर प्रदेश से जी। आनंद जी देखिए उत्तर प्रदेश के लिए सबसे जो अच्छी नस्ल होगी वो होगी साहिवाल की, और साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल है, आपके प्रदेश में काफ़ी साहिवाल उपलब्ध भी है और साहिवाल को आप रखें, साहिवाल अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ अगर आप रखना चाहते हैं गोंडा जिले में थारपारकर नस्ल की गाय को भी आप ट्राई कर सकते हैं, रख सकते हैं उसको भी देखने के लिए। हमारी जो राठी नस्ल है वो राजस्थान की है, उसको भी आप अगर ट्राई करना चाहते हैं अपने फार्म पर रख सकते हैं। गिर नस्ल की गाय अब उत्तर प्रदेश में काफ़ी किसान जो है हमारे पशुपालक भाई जो है वो रख रहे हैं, तो गिर नस्ल की गाय भी रखी जा सकती है। और रेड सिंधी जो नस्ल है वो आपके आसपास में जैसे बाराबंकी में एक फार्म है आपका रेड सिंधी का, तो रेड सिंधी नस्ल की गाय भी आप रख सकते हैं, वहाँ पर साहिवाल का फार्म है ये, तो साहिवाल की नस्ल की गाय आपके लिए बहुत बहुत उपयुक्त होगी, अच्छा दूध देती है। काफ़ी लाभ देखिए इसके जरिए आपको मिल सकता है, जो देसी नस्लें हैं कई तरह के फायदे उनके जरिए हमें मिलते हैं, और खास तौर से जब हम बात करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी है, इसी वजह से उनका संरक्षण संवर्धन की जब आवश्यकता की हम बात करते हैं, इसमें डॉक्टर भूषण जानना हम चाह रहे हैं जैसे नई नई तकनीकों का समावेश अब कर दिया गया है, फिर चाहे हम IVF की बात करें या सेक्स ऑर्टेड सीमन की बात की जाती है, कितना लाभ इसके जरिए एक पशुपालक को अब मिल रहा है? देखिए अच्छी तकनीकों को अगर हमारे किसान अपनाते हैं तो उनको फ़ायदा जरूर है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस तकनीक के द्वारा। IVF तकनीक बहुत अच्छी तकनीक है जिससे एक जनरेशन में ही हम बात कर रहे थे, एक जनरेशन में ही आप पशु की जो नस्ल है पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, अच्छी नस्ल का पशु आप पा सकते हैं एक ही जनरेशन में। भारत सरकार का एक एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत IVF तकनीक को अगर हमारे पशुपालक अपनाते हैं तो उनके लिए सब्सिडी 5,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 21,000 रुपए की कॉस्ट आती है, यानी किसान का जो खर्चा होगा वो 16,000 रुपए का होगा अगर वो IVF काफ पाना चाहते हैं तो, IVF बछड़ी पाना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें गारंटी होती है कि 90% जो चांसेस होंगे वो बछड़ी के ही होंगे, तो आप बछड़ी पा सकते हैं इस IVF के कार्यक्रम से। आपने बात की सेक्स ऑर्टेड सीमन की, हाँ सेक्स ऑर्टेड सीमन हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे केवल बछड़ियां ही पैदा होती है, यानी 90% तक आप बछड़ी पैदा कर सकते हैं अगर आप सेक्स ऑर्टेड सीमन का उपयोग करते हैं। तो आपके प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में अगर कोई किसान इस तरह की तकनीक का उपयोग करना चाहता है, दोनों तकनीकें उत्तर प्रदेश में आज उपलब्ध है। सेक्स ऑर्टेड सीमन की फैसिलिटी उनके बाबूगढ़ सीमन स्टेशन जो है वहां पर उपलब्ध है, साथ ही साथ IVF की जो फैसिलिटी है बाराबंकी फार्म पर पूरी तरह से उपलब्ध है। भारत सरकार का एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम सेक्स ऑर्टेड सीमन के लिए भी चलाया जा रहा है जो एश्योर्ड प्रेगनेंसी के लिए है, यानी किसान को हम एश्योरेंस देते हैं कि आपको हम प्रेगनेंसी देंगे फीमेल का, यानी ये सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है इसके जरिए। और साथ ही यहाँ डॉक्टर नीत आपसे भी जल्दी से जानना चाहेंगे और किस तरह के फायदे हमारे पशुपालकों को हो सकते हैं अगर वो याक पालन करते हैं तो। जी याक का जैसे मैंने बताया कि उसका जो दूध है, दूध से लेके उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे पशुपालक को फायदा होता है, दूध से उसके घी निकलता है। याक के दूध में मैं बताना चाहती हूँ याक की दूध क्षमता कम होती है, 2 से 2.5 किलो के बीच में देता है, लेकिन उसका जो दूध में फैट बहुत ज्यादा होता है तो, और ये अभी जो शोध चल रहा है उसमें ये भी पाया गया है कि याक के दूध में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे जो है हम कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं उसको पीके। तो इसके दूध से घी बनता है,
इसके अलावा पनीर बनाया जाता है और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में एक छुरपी नाम का जो पनीर को फर्मेंट करके बनाया जाता है वो होता है। एक छुरकम नाम का भी एक मिल्क का प्रोडक्ट है याक का। इसके अलावा याक के बालों से मैंने आपको बताया कारपेट और उसके बाद टोपी और गुरुद्वारे और मंदिर में एक चामर करके यूज किया जाता है फ्लाई विस्क मक्खी उड़ाने के लिए वो भी याक के बालों से ही बनाया जाता है। इसके अलावा याक का जो सॉफ्ट है अंदर का बाल है सॉफ्ट कोट उससे बहुत ही जैसे पश्मीना की तरह सॉफ्ट आजकल उसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है तो वो भी है। इसके अलावा याक का गोबर भी यूज किया जाता है खेतों में डाला जाता है फसलों के लिए और काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि डिफेंस सर्विसेज क्योंकि याक को पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है तो हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं पर्टिकुलरली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वो बॉर्डर पोस्ट पे जाने के लिए अब जो सामान ले जाने के लिए याक का उपयोग करती है तो याक जो है यानी हर तरीके से फायदेमंद हो सकता है। याक ना सिर्फ हम पशुपालकों की बात करें बल्कि आपने बताया किस तरीके से जवान है क्योंकि इस तरह की जब हम परिस्थितियों की बात करते हैं तो वहां के लिए भी काफी ना सिर्फ लाभकारी है बल्कि एक बेहतर विकल्प है याक का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनित कौर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जी साथ ही डॉक्टर भूषण जी आपका भी बहुत बहुत आभार आपने बताया कि किस तरीके से जो देसी नस्लें हैं उनका संवर्धन और संरक्षण किया जा रहा है कितना लाभ इसके जरिए हमें मिला है तो जाना आज आपने कितना महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं हमारे देश में पशुपालन की अलग अलग जो पशु हैं उनके पालन को लेकर बात की जाती है लगातार योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जल्दी से जानकारी दे दें। कल बात करेंगे बेलदार सब्जियों की खेती की और बात होगी आलू की खुदाई रखरखाव और प्रबंधन की भी। इसके साथ ही आप हमारी मेल आईडी नोट कर सकते हैं जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो अलग अलग माध्यम हैं इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यानी फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही डीडी किसान टोल फ्री नंबर जो है वो आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो इस नंबर को भी आप लिख लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये फोन लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।